नमस्कार। वर्ष 1962 में एक बार बरेली निवासी श्री प्यारे लाल जी कैंची धाम महाराज जी के दर्शनों के लिए गए और दर्शन के बाद प्यारे लाल जी को विदा करते हुए बाबा जी बोले, अब जा, 4-5 दिनों में मैं भी बरेली आऊंगा। प्यारे लाल जी लौट कर चौथे दिन से ही महाराज जी का इंतजार करने लग गए। उन्होंने डॉक्टर भंडारी के घर, डॉक्टर भंडारी जिनके घर पर महाराज जी बरेली आकर अक्सर आया करते थे, उनके घर अपना आदमी भेजना शुरू कर दिया कि देख कर आओ बाबा जी आए या नहीं। परंतु कई दिनों तक बाबा जी का तो कुछ भी अता पता नहीं था। नौकर भी अब इस सुबह शाम दोपहर की दौड़ से ऊब चुका था। और तभी एक दिन प्यारे लाल जी को बड़ा तेज बुखार हो गया। फिर भी वे कंबल ओढ़कर बाबा जी को तलाश करने के लिए भंडारी जी के घर स्वयं पहुंच गए। पता चला कि बाबा जी तो बरेली आए ही नहीं, शायद वो सीधे लखनऊ निकल गए होंगे। अब ये सुनते ही प्यारे लाल जी फपक फपक कर रोने लगे। ये कह रहे थे कि महाराज जी बरेली कहकर भी क्यों नहीं आए। बेचारे भंडारी जी की पत्नी ने प्यारे लाल जी को समझाने की बड़ी कोशिश की, पर प्यारे लाल जी वहीं बाहर एक बेंच पर बैठकर बिलख बिलख कर रोते रहे और बड़ी देर तक यूं ही बच्चों की तरह रोते रहे। कुछ देर बाद वहां एक जीप फाटक में घुसकर बिल्कुल प्यारे लाल जी के बगल में आकर रुक गई और देखते ही देखते उस जीप में से बाबा जी उतरकर सीधे भीतर चले गए। महाराज जी ने ऊपर से एक उड़ती हुई नजर प्यारे लाल जी पर डाली। प्यारे लाल जी के तो खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी की बौखलाहट में वो महाराज जी को प्रणाम करना तक भूल गए। तभी महाराज जी के ड्राइवर श्री रामानंद जी ने उन्हें बताया कि महाराज जी तो फरीदपुर से भी आगे निकल चुके थे, लेकिन उसके आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही थी, चक्के जाम हो गए थे। और तब महाराज जी ने कहा, अरे वो प्यारे लाल रो रहा है, चलो वापस बरेली चलो। और फिर सारे लोग 17-18 मील आगे आ जाने के बावजूद वापस बरेली आ गए। अपने भक्त के अंतर्मन की सच्ची पुकार बाबा जी को वापस खींच लाए। भक्त की निष्ठा, आस्था और विश्वास की रक्षा महाराज जी स्वयं करते हैं। उस दिन रात को भी बाबा जी प्यारे लाल जी के घर पर ही रुके। महाराज जी सुबह उठकर श्री कुंदन लाल शाह जी के घर चले गए और वहां शाह जी के घर पर भी उन्होंने भोजन प्रसाद पाया। उसके बाद लौटकर प्यारे लाल जी के घर आए और उनके घर पर भी रोटी सब्जी खाई। उस समय चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था और उस रात प्यारे लाल जी के घर पे एकाएक महाराज जी ने टेलीफोन उठा लिया और बोलने लग गए, भगवान सहाय, रोता क्यों है तेरा पंडित? पंडित यानी श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। महाराज जी ने टेलीफोन उठाकर सीधे सीधे कहा, भगवान सहाय, रोता क्यों है तेरा पंडित? उसकी फौज के पास सूट बूट नहीं है, उसका इंतजाम कर। यह देश ऋषियों का देश है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चीन खुद ही लौट जाएगा। और इतना कहने के बाद महाराज जी ने फोन वापस रख दिया। ये घटना बिल्कुल प्यारे लाल जी के घर पर उनकी आंखों के सामने हुई।
महाराज जी को ना कोई फोन आया था और ना उन्होंने कोई फोन मिलाया था। उन्होंने बस सीधे सीधे फोन उठाया और अपनी बात कह दी। भगवान सहाय जी नेहरू जी के करीबी थे। वो एक ICS ऑफिसर थे और महाराज जी के अनन्य भक्त थे। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। राम राम हरि राम राम।